only Bengali food for 24 hours challenge. आमी जे तुमार शुद्धो जे तुमार। मेरा गाना सुन के आवाज ही ले रहा है। गरिमार गुड लाइफ है आपना देर अभिनंदन करी। कब से आप लोग कह रहे हो कि रीजनल फूड चैलेंज करो, तो मैंने सोचा कि बंगाली फूड से ही शुरुआत करते हैं। आई नो मैं वेजिटेरियन हूँ और बंगाली फूड इज़ नोन फॉर फिश और बहुत टेस्टी टेस्टी नॉन वेज फूड, लेकिन वही तो चैलेंज है कि आज पूरा दिन भर मैं वेजिटेरियन बंगाली फूड क्या खाऊंगी। लेट्स फाइंड आउट। So guys, it's breakfast time और breakfast में मैं बनाने जा रही हूँ चिरेर पुलाव। अब बंगाली लोग तो समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है, लेकिन क्या नॉन बंगाली लोग मुझे बता सकते हैं कि ये डिश किस चीज से बनेगी? नहीं। Too difficult? अच्छा चलो इजी वाली चीज पूछती हूँ। आमी तो माँ के, आगे की लाइन कंप्लीट करो नीचे कमेंट्स में, ये तो आप लोग कर ही सकते हो। Yeah. अब बता देती हूँ कि चिरेर पुलाव बनता है पोहे से। मैं इतनी सारी सब्जियां डाल के बंगाली स्टाइल पोहा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आई होप अच्छा बन जाए। लेट्स बिगिन। फ्रेंड्स, जो रेसिपी मैं फॉलो कर रही हूँ वो मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। आई होप टेस्ट उससे ज्यादा अच्छा हो। बाय द वे, ब्रेकफास्ट में मेरे पास एक और बहुत ही यमी बंगाली चीज है। इट्स अ सरप्राइज। चलो बाहर आ जाओ, सिम्बू भी उसके पीछे पागल होने वाला है। चल 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 सिम्बू आ जाओ। टाडा गाइस, ब्रेकफास्ट में इस चिरेर पुलाव के साथ मैं इंजॉय करने वाली हूँ। 1 2 एंड मिष्टी दई। फ्रेंड्स, मिष्टी दोई मुझे बहुत पसंद है और जिस शॉप से हमने ये मंगाया है ना सिम्बू, ये मुंबई की सबसे फेमस बंगाली स्वीट शॉप है। देखो देखो, मैंने कहा था ना ये पागल होगा इसको देख के। मैंने तो पहले मिष्टी दोई खाना शुरू कर दिया। हाँ दे रही हूँ भाई, दे रही हूँ, इतना वेट नहीं होता इससे। मैं तो भूल ही गई, मुझे अपना चिरेर पुलाव भी टेस्ट करना है। चलो फ्रेंड्स, लेट्स ट्राई दिस, कैसा बना है। नॉट बैड एट ऑल। मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो गई सिम्बू। मैंने बहुत टेस्टी चिरेर पुलाव बनाया। लेट मी एंजॉय माई यमी बंगाली ब्रेकफास्ट। आई विल सी यू ऑल इन अ बिट, ओके? A few moments later. फ्रेंड्स, त्योहारों का समय चल रहा है ना? क्यों ना हमारे इस चैलेंज को भी थोड़ी और फेस्टिव फील दी जाए। मैं सोच रही हूँ कि मैं तैयार हो जाती हूँ टिपिकल बंगाली फेस्टिव आउटफिट में। व्हाट से यार, बंगाली गर्ल्स के बाल कितने प्यारे होते हैं ना। आप लोगों के बाल कितने लंबे, शाइनी, ब्यूटीफुल होते हैं। इसीलिए आज जब मैं तैयार होंगी, मुझे भी अपने रूखे सूखे बालों का कुछ करना पड़ेगा, अपने बालों को ट्रीट करना पड़ेगा। मैं तो घर पे ही हेयर स्पा करने जा रही हूँ। अपने इस लॉरियल पेरिस के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ऑयल सेरम से। फ्रेंड्स, दिस इज अ मल्टीपर्पज सेरम जिसे बाल धोने के पहले प्री शैम्पू ट्रीटमेंट की तरह आप यूज कर सकते हो। नहाने के बाद, बाल धोने के बाद डी टैंगलिंग और अपने बालों को फ्रिज फ्री बनाने के लिए यूज कर सकते हो। एंड देन लेटर ऑन स्टाइलिंग के टाइम पे एज अ हीट प्रोटेक्टेंट एंड अ स्टाइलिंग सेरम की तरह यूज कर सकते हो। तो मैं अपने रूखे सूखे बालों को दे देती हूँ नहाने के पहले ये ट्रीटमेंट। see you after some time. Shower done. Friends, now let me apply my serum to detangle my hair and make them frizz free. इस बार सिर्फ एक ही पाऊँ. Friends, इसका texture completely non-oily है and this serum is a mix of 6 rare flower oils जो हमारे hair को healthier और shinier बनाते हैं. देखा मेरे बाल कितने healthy, shiny और अच्छे लग रहे हैं. Now let me get ready and style my hair. A little longer than a few minutes later. So guys, I'm ready. बस मेरे बालों में अब लास्ट स्टेप है, मैं ये सेरम लगा लेती हूँ ताकि मेरे बाल हिले नहीं. 7 से 8 घंटे तक बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही रहेंगे. So friends, अगर आपको भी मेरा ये serum पसंद आया, you can order it for yourself. It's available in 2 sizes, 30 ml for ₹299 and 100 ml for ₹499 only. Unleash your beauty this festive season. Say yes to shiny and frizz-free hair. Friends, मैंने इतनी मेहनत करके ये typical Bengali festive look बनाया है. अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो please इस वीडियो को like दे देना. और चलिए अब मैं खाने जा रही हूँ मेरा दुर्गा पूजा special lunch. खाने जा रही हूँ, बनाने नहीं, order किया है. आ जाओ. कहता है कि बंगाली क्यूजीन में वेज आइटम्स नहीं मिलते. लुक एट दिस, लेट मी शो यू व्हाट ऑल डू आई हैव इन माय थाली. बेगुनी, ये है खिचड़ी, इसे बोलते हैं लुच्ची यानी कि पूरी. आई होप मैं सब कुछ ठीक ठाक बोल रही हूँ. ये बहुत ही स्पेशल चीज है जिसका नाम मुझे याद नहीं है. ये चने की दाल है बंगाली स्टाइल. ये भी कुछ बहुत ही स्पेशल डिश है. ये परवल से बना है. ये चटनी है. ये तो रसगुल्ला है और ये है बंगाली खीर. लेट्स ईट. परवल की सब्जी किस किस को पसंद है? मुझे दिल्ली में तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, मम्मी खिलाती थी. तो बंगाली स्टाइल परवल ट्राई करके देखते हैं कैसा होता है. बहुत ही टेस्टी होता है. बैंगन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है लेकिन फिर भी मैं ये बेगुनी भी ट्राई करूंगी. सब कुछ ट्राई करना है इस थाली में से. ये भी अच्छा है. Later that same evening. Oh my God, guys, I can't tell you. दोपहर का लंच करके मुझे क्या मस्त नींद आई. बंगाली लोग इतना टेस्टी खाना खाते हैं, उसके बाद अपनी नींद कैसे भगाते हैं? मुझे लगता है जो चाय मैं अभी बनाने जा रही हूँ ना, उसे पी के अपनी नींद भगाते हैं. It is called लेबू चा. इसमें पता है क्या डलता है? जलजीरा. What? चाय के अंदर जलजीरा कैसी होती है कि लेबू चाय बनाऊंगी तो पता चल जाएगा. लेट्स मेक इट. मेरी लेबू चाय इज रेडी. टेस्ट करूं? वाओ, क्या टेस्ट है. समझ में नहीं आ रहा है. चाय का चटकारा आ रहा है कि जलजीरा नींबू पानी जो बनाते हैं उसका टेस्ट आ रहा है. बट दिस इज रियली यमी. फ्रेंड्स, ये जो लेबू चाय है ना, ये बंगाली स्ट्रीट फूड के तौर पे बहुत फेमस है. अब ये तो मैंने घर पे बना ली और पी ली, लेकिन इस बंगाली फूड चैलेंज में डिनर में मैं बंगाली स्ट्रीट फूड ही खाऊंगी, वो भी वाया कैलकटा. नहीं समझे? वेट करो, वेट करो डिनर टाइम की. सो फ्रेंड्स, डिनर करने के लिए मैं आ गई हूँ वाया कैलकटा, जहाँ पे आप देख रहे हो कलकत्ता का इतना सारा स्ट्रीट फूड है. मैंने आज से पहले कभी नहीं खाया है, बट आई हर्ड कि बांद्रा में ये जो जॉइंट है यहाँ पे ऑथेंटिक कोलकाता स्ट्रीट फूड मिलता है. मैं सबसे पहले ट्राई करने वाली हूँ पुचका. फ्रेंड्स अब मैं ट्राई करने जा रही हूँ बंगाल की बहुत ही फेमस घुगनी चाट, जिसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। Wow, looks amazing. Superb. मेरे पेट में एक और आइटम खाने की जगह है, which is the विक्टोरिया वड़ा। दादा नेक्स्ट वो बना देना। One hour later. So guys, I'm back home after my dinner with my Bengali dessert. इसको बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। छोली आपको डिनर के लिए बाहर नहीं लेके जा चुके हम आज, पर इसमें देखना आपको क्या है। Alright. Okay, okay, चिम्बू 1, 2 and 3. Friends. मैंने किया है 2 in 1 काम। मैंने मंगाया है कलकत्ता पान। हाँ? देखो मैं सुबह से इतना खा रही हूँ कि डेजर्ट खाने की हिम्मत नहीं थी मेरे अंदर, इसीलिए मैंने ये 2 बढ़िया से कलकत्ता पान मंगवा लिए हैं। एक के अंदर है ड्राई फ्रूट्स और दूसरा है सिल्वर पान। वाओ, कौन सा खाऊं पहले? ये वाला लग रहा है एकदम बढ़िया मसालेदार पान, जिसमें बहुत कुछ भरा हुआ है अंदर। सुबह आप पान नहीं खा सकते हो बेबी, पान थोड़ी खाओगे, मम्मा के लिए। ऑलराइट गाइस, इतना बड़ा पान है। ओह वाओ, देखा गाइस, किसी ना किसी तरीके से जुगाड़ करते कराते मैंने आज का पूरा दिन वेजिटेरियन बंगाली क्यूजीन एंजॉय किया। मानते हो ना मुझे जुगाड़ क्वीन। चलो जल्दी से ये बताओ कि अगला चैलेंज आप लोगों को कौन से रीजन का देखना है, और अगर ये वाला वीडियो पसंद आया, यू नो यू हैव टू हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल गरिमास गुड लाइफ। बाय, लव यू ऑल।